मध्य प्रदेश में आए दिनों के ऐसे मासूमों को शिकार बनाया जाता है और फिर गंदी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली से जुड़ा है, जहां पर पटना बुजुर्ग गांव के रहने वाले एक 65 साल के वृद्ध ने 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गंदी वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी कहती है कि रात के तकरीबन 8:30 बजे घर के बाहर नाबालिग बर्तन धोकर बरामदे से बाहर रोड पर पानी फेंकने के लिए गई थी, तभी वहां पर 65 साल का एक वृद्ध आया और तौलिए से लड़की के मुंह को बांध दिया और फिर खींचकर उसे घर से थोड़ी दूर बने एक मंदिर के पीछे ले गया और फिर उसके साथ गंदी वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद रात के तकरीबन 11 बजे लड़की अपने परिजनों के साथ रहली थाने की पुलिस की दहलीज पर न्याय मांगने के लिए पहुंची। तत्काल पुलिस एक्शन में आई और फिर गांव पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और फिर आज इस आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पटना बुजुर्ग से एक दुष्कर्म का मामला आया है, जिसमें अपराध कायम कर लिया गया है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेकर न्यायालय पेश किया जा रहा है। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं, साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78।